ये पास्ता मैंने सुबह बनाया था और ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी बन गया, इसके बावजूद मैंने इसे खाया क्योंकि मैंने मेहनत से बनाया था। और आप, मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ, ये मैंने पास्ता वाली बात इसलिए बताई क्योंकि आप घर में बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स करते हैं कि यार मम्मी ये क्यों बनाया, वो क्यों बनाया, ऐसा क्यों करा, वैसा क्यों करा। फॉरेन में ऐसा नहीं होता। आज का वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो लोग सोचते हैं कि फॉरेन में रहने से, जो लोग बाहर रह रहे हैं उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा हैपनिंग होती है, बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते हैं वो लोग, तो ऐसा कुछ नहीं है। फॉरेन में रहने के बहुत सारे ड्रॉबैक्स भी हैं, आपको अपना सारा काम खुद करना पड़ता है। स्पेशली जब आप स्टूडेंट्स हो तो आपको पढ़ाई के साथ घर का भी सारा काम करना पड़ता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। कई सारे लोग इंस्टाग्राम पे मेरी स्टोरीज और रील्स देख के बोलते हैं, वाह यार तुम तो बहुत इन्जॉय करती हो, तुम पार्टी भी करती हो, तुम्हारी लाइफ बहुत हैपनिंग है। तो नहीं भाई, ऐसा नहीं है। रियलिटी ये होती है जो मैं आज आपको इस वीडियो में दिखा रही हूँ। बर्तन धोना, कपड़े धोना, साथ साथ घर का खाना बनाना, घर का सामान लाना और पढ़ाई करना, यूनिवर्सिटी जाना, ये सब कुछ खुद करना पड़ता है। जब आप घर में होते हो तो आप कॉलेज से वापस आते हो, आपको बना बनाया खाना मिल जाता है, यहाँ ऐसा नहीं होता। तो ये देखो, और जब मैं घर में थी तो मुझे लगता था घर का काम करना झाड़ू पोछा करना और बर्तन धो देना और खाना बनाना, दैट्स इट। पर मुझे ये तो किसी ने बताया ही नहीं था कि आपको टाइल्स, बेसिंग, फ्रिज, ये सब भी साफ करना पड़ता है। लिटरली यार मुझे अपनी मम्मी से बहुत कंप्लेंट थी, ये सब वो मुझे कब बताने वाली थी। और ये देखो मेरा घर कितना टिप टॉप है। आपको इसके लिए मेड नहीं मिलती यहाँ पर, मेड एक दिन के लिए आती है महीने में, तो वो मुझे वर्थ इट ही नहीं लगता। और फिर ये सामान भी आप खुद लाओ, उसके बाद बनाओ, तो यू नो आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ती है। यदि आप बाहर एज अ स्टूडेंट रह रहे हो तो आपको सारी चीज़ें खुद से करना पड़ती हैं, साथ साथ वो मेंटल प्रेशर, टॉर्चर, और वो जो आप इमोशनली बहुत ज़्यादा डिटैच्ड होते हो क्योंकि आप अपनी फैमिली से दूर होते हो, तो वो इमोशनली भी अपने आप को बैलेंस रखना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो फिर पढ़ाई, और ठीक है मेरी ये हैंड राइटिंग पे मत जाना क्योंकि मैं रिविजन कर रही हूँ, तो थोड़ा थोड़ा ये समझ जाएंगे जो लोग मेडिकल वाले हैं, वो समझ जाएंगे कि मैं क्या पढ़ रही हूँ। मैंने ऑफ्थेल्मो स्टार्ट करा है जो मेरे व्लॉग्स फॉलो करें। सो बैक टू बेसिक भाई, जो हम बात कर रहे थे कि हाँ फॉरेन में रहना हमेशा ये नहीं होता कि लाइफ बहुत अच्छी है, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, हार्डवर्क करना पड़ता है। और सारे इंडियन पेरेंट्स से मैं तो बोलूँगी, यदि आपको अपनी बेटी या अपने बेटे को, बच्चों को बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल बनाना है ना, तो उनको घर से दूर भेज दो और स्पेशली अब्रॉड भेज दो। उसकी लोग बाग इंडिया में सोचते हैं कि लड़की की शादी कर देंगे तो वो जिम्मेदार हो जाएगी, उसको सारे काम आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। आप फॉरेन भेज दो, उसे वैसे भी सारे काम आ जाएंगे। मुझे यहाँ आकर सब कुछ आया, मुझे कुकिंग नहीं आती थी, जब मैं यहाँ आई हूँ मैंने सब कुछ सीख लिया, अब तो मैं इतनी एक्सपर्ट हो गई हूँ कुकिंग में, मुझसे जो चाहे बनवा लो। तो यदि आप लोग यदि घर पर रह के अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर रहे हो ना, तो आप बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हो भाई इस चीज़ को लिटरली। और अपनी मम्मी की मेहनत को तो कभी भी ऐसे डाउट तो करने ही मत, कंप्लेंट तो करने ही मत कि आपने ऐसा क्यों करा, वैसा क्यों बनाया, जो बनाया चुपचाप खा लेना। लिटरली मैं बाहर रह रही हूँ, मुझे वैल्यू पता है इस चीज़ की, आप पता अच्छे से चल रही है। आप एक टाइम खाना बनाते हो ना, वो भी इतना मुश्किल से बनता है कि मैं क्या बताऊँ। तो जैसे तैसे ये अभी नॉर्मल सी दाल खिचड़ी और रायता बनाया है, वो उसमें भी इतनी एक्स्ट्रा मेहनत लग गई कि मैं क्या बताऊँ। आफ्टर ऑल दिस आपको अकेले बैठ के खाना है, आपको घर की भी याद आ रही है, आप इमोशनली बहुत अनस्टेबल भी हो, आपको 10 तरीके का प्रेशर है, आपको घर का बाहर का सब कुछ देखना है, साथ में आपको पढ़ाई भी देखना है, आपको एग्जाम्स भी देखना है। सो इट्स नॉट ईजी टू बी अ स्टूडेंट इन फॉरेन।